हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और BHDL 136 के वीडियो सेशन में। ये वीडियो सेशन जो है दोस्तों BHDL 136 का ये लास्ट वीडियो सेशन होगा। इस वीडियो सेशन के बाद हम लोग BHDL 136 वीडियो सेशन के क्विक सीरीज को समाप्त कर देंगे। दोस्तों अब तक हम लोगों ने BHDL 136 पुस्तक के ब्लॉक 2 के चैप्टर 8 तक का डिस्कशन कर लिया। चैप्टर 8 मतलब अध्याय 8 जिसका नाम है पुनर्रचना संक्षेपण भाव पल्लवन आदि, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो डिस्कशन होगा वो आधारित होगा चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 पर, मतलब BHDL 136 पुस्तक के इकाई 9, इकाई 10 एवं इकाई 11 पर। इकाई 9 का नाम है वर्णनात्मक लेखन, इकाई 10 का नाम है आख्यानपरक लेखन एवं इकाई 11 का नाम है तार्किक लेखन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी लेखन के प्रकारों की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली है। जब हम लोग चैप्टर 6 और चैप्टर 8 का डिस्कशन कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णनात्मक लेखन क्या है, आख्यानपरक लेखन क्या है, तार्किक लेखन क्या है, सभी बातों की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ नहीं, बस आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण दिखा दूंगा ताकि उन उदाहरणों के आधार पर आप ये समझ सकेगी कि क्या वर्णनात्मक लेखन है और क्या आख्यानपरक लेखन है और फिर क्या तार्किक लेखन है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा सा वीडियो सेशन होगा और इसी वीडियो सेशन के समाप्त होने के साथ साथ BHDL 136 वीडियो सेशन की क्विक सीरीज भी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वर्णनात्मक लेखन के बारे में, जो कि शायद चैप्टर 9 है। तो दोस्तों वर्णनात्मक लेखन क्या है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी भी संक्षेप में बता देता हूं। दोस्तों वर्णनात्मक लेखन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की व्याख्या की गई होती है या किसी भी चीज़ का वर्णन किया गया होता है। जैसे कि अभी आप लोग इसको समझ नहीं रहे होंगे, मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, उदाहरण देता हूँ। दोस्तों मान लिया जाए कि आप कभी कोई यात्रा पर गए, मान लीजिए एक क्षण के लिए आप लोग बनारस यात्रा पर गए। तो दोस्तों बनारस यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें घटित हुई, जो भी घटनाएँ घटित हुई, जैसे कि आप किस ट्रेन से गए, आपके ट्रेन के स्टॉपेज कहाँ कहाँ थे, आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपने किस किस नगरी का भ्रमण किया, किस किस मंदिर का भ्रमण किया, वो सारे जो यात्रा वृत्तांत हैं आप जो लिखेंगे, जो आप वर्णन करेंगे, वही वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत आएगा। वर्णनात्मक लेखन में क्या होता है दोस्तों कि जो भी चीज़ें आप देखते हैं उसी का वर्णन, उसी का लेखन आप हूबहू कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों। या फिर मान लिया जाए कि आपने कोई क्रिकेट का खेल खेला या कोई भी अन्य कोई खेल खेला, तो उसमें क्या होता है, मान लिया जाए कि आपने 4 रन मार दिए, 6 रन मार दिए, आपने अच्छी खासी कैच ले ली, अच्छी खासी बैटिंग की, अच्छी खासी बॉलिंग की, अच्छी खासी फील्डिंग की, तो आपने जो जो भी चीज़ें करी, जो जो चीज़ें, जो भी घटनाएँ आपके साथ घटित हुई, उसका जो वर्णन आप करेंगे वही वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत आएगा। तो मुझे लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, मैं उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, जब रिया 13 वर्ष की थी, सॉरी दोस्तों जरा मिस्टेक हुआ था, तो अब देखिए, जब रिया 13 वर्ष की थी तब उसका कद छोटा था और वजन 45 किलो था। ठीक है, मैं जरा विड्थ को छोटा कर दूं, पेन विड्थ को, हाँ अब ठीक है। तो सब उसको नाटी सूखी कहकर चिढ़ाते थे, उसका शरीर बहुत पतला था, वह बहुत कम खाती थी। 18 वर्ष का होते होते उसका कद 5.5 हो गया, उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया, उसने अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ महीनों के बाद उसका वजन 60 किलो हो गया, शरीर में कसावट आ गई और वह यहाँ पर शायद सुंदर, स्वस्थ व आकर्षक युवती बन गई, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, नीचे क्या है वो भी मैं जरा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो नीचे लिखा गया है, रिया की आयु, कद, वजन, शारीरिक गठन और रंग रूप के बारे में निम्नलिखित सारणी को भरिए। तो यहाँ पर सारणी दी गई है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर जो ये विवरण दिया गया है कि रिया 18 वर्ष की मतलब थी, उसका कद इतना था, 5.5 इंच था, व्यायाम शुरू किया, उसका वजन 60 किलो गया, ये जो है दोस्तों ये वर्णनात्मक लेखन का ही एक भाग है, ये वर्णनात्मक लेखन का ही एक प्रभाव है। ठीक है, इसमें वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया, तो रिया नाम की लड़की का वर्णन किया गया, यही है दोस्तों वर्णनात्मक लेखन। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नीचे देखते हैं और कुछ भी है क्या देखने के लायक या समझने के लायक। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एक और उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आप किसी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ साथ शैक्षिक विवरण, कार्य अनुभव, अभिरुचियों के बारे में बताते हुए अपना बायोडेटा तैयार कीजिए। तो दोस्तों बायोडेटा जो आप तैयार करेंगे उसमें आप अपनी हर एक योग्यता का वर्णन करेंगे, आप जो योग्यता का वर्णन करेंगे वही वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत आएगा। आई कैन से दैट दिस बायोडेटा विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो ये जो संक्षेप में चीजें दी गई थी दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10th की ओर। चैप्टर नंबर 10th में जो क्वेश्चन है या चैप्टर नंबर 10th का जो नाम है वो है आख्यान परक लेखन। तो ये आख्यान परक लेखन क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, एक प्रश्न मुझे और दिख गया है जो कि अच्छा प्रश्न है, वो मैं आप लोगों को बता दूं संक्षेप में। तो यहाँ पर है कि वर्णनात्मक लेखन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो आखिर वर्णनात्मक लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं इस पर आपको लिखना है।
तो दोस्तों वर्णनात्मक लेखन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर जो भी लेखन होता है वो वर्णनात्मक लेखन ही होता है। जैसे कि हम और आप जो भी लेखन करते हैं अक्सर वर्णनात्मक लेखन ही करते हैं, और जो बाकी के लेखन है आख्यानपरक लेखन या तार्किक लेखन उनका प्रयोग हम कम करते हैं, क्योंकि आख्यानपरक लेखन में भाव विस्तार देने की कोशिश की जाती है, उसमें लेखक के अपने पर्सनल विचार भी, मतलब जो लेखक के व्यक्तिगत विचार होते हैं उनको भी जोड़ा जाता है। लेकिन वर्णनात्मक लेखन में ऐसा कुछ नहीं होता, वर्णनात्मक लेखन में बिल्कुल सटीक हूबहू वर्णन किया जाता है। इसीलिए वर्णनात्मक लेखन की जो शैली है इसका प्रयोग अक्सर अधिक जगहों पर किया जाता है। तो प्रश्न है कि आखिर वर्णनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्णनात्मक लेखन का उद्देश्य बहुत सारा है, ठीक है, जिसमें जैसे कि सूचित करना। जैसे कि सूचित करने का मतलब ये हो गया दोस्तों, कोई भी शीर्षक है, कोई भी कंटेंट है, उसको हूबहू पाठकों को समझाना। जैसे कि मान लिया जाए कि मैंने एक लेखन किया, और मैंने लेखन किया किस पर, तो क्रिकेट पर, क्रिकेट एक खेल पर मैंने लेखन किया, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पाठक हैं या जो श्रोता हैं वो जो है क्रिकेट को भली भांति समझ जाए। तो ये जो सूचना देने का काम होता है ये वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों मनोरंजन करना। मनोरंजन का जो कार्य होता है, मनोरंजन संबंधी जो लेखन होते हैं वो भी वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आपने एक नाटक देखा, आप जब नाटक का विवरण लिखेंगे तो हूबहू नाटक भी लिखेंगे कि इस तरह से ये सारी घटनाएं घटित हुई। तो ये जो मनोरंजन का काम है ये भी वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। प्रोत्साहन देने के लिए भी दोस्तों वर्णनात्मक लेखन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मित्र जो है किसी परीक्षा में फेल हो गया, आप अपने मित्र को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाइन लिखेंगे, उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, तो वो जो है दोस्तों ये जो प्रोत्साहन होगा वो भी वर्णनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आएगा। मनवाना या सिद्ध करना, ये जो उद्देश्य होता है दोस्तों, मतलब ये जो मनवाने या सिद्ध करने का उद्देश्य होता है, इसका मूल ये होता है कि किसी भी पाठक के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देना। जैसे कि आपके आसपास में एक घटना घटित हुई, घटना में किसी की मौत हो गई, ठीक है, तो आप उसको हे दृष्टि से देखेंगे, उस घटना को बिल्कुल गलत दृष्टि से देखेंगे। आप सीधे सीधे अगर आपको कोई कह दे कि वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, ठीक है, मान लिया जाए इस तरह से मौत हो गई, घटना दुर्घटना में ये हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि आप पहले नजर में ये सुन लेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी, तो आपको पहले व्यक्ति से नफरत हो जाएगी, ठीक है, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने गोली क्यों मारी, किस वजह से मारी, तो ये जो है दोस्तों ये आपने नहीं जाना। अगर कोई लेखक या कोई भी जो लेखन करेगा वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि वो किस परिस्थिति में, मतलब पहले व्यक्ति ने किस परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति को गोली मारी। अगर पहला व्यक्ति किसी कारणवश, किसी बहुत ही भद्दे कारणवश दूसरे व्यक्ति को गोली मारता है, तो हो सकता है कि वो पहला व्यक्ति सही हो और सही है वो, मतलब उसने गलत काम तो किया है, गोली तो मार दिया उसने, लेकिन फिर भी वो सही है। तो इस दृष्टिकोण को मनवाने का काम लेखक करते हैं, तो हो सकता है कि आपको या आपका जो विचार है वो बदल जाए। मतलब पहले तो आप पहले व्यक्ति को हीन दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मारी थी, लेकिन जब लेखक ने आपको बताया कि नहीं ऐसा कुछ मसला नहीं है, मसला कुछ और ही है, इसी वजह से पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी, तो पहले व्यक्ति से आपको जो नफरत थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, ये आप समझ गए दोस्तों। अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ आख्यानपरक लेखन की ओर। तो आख्यानपरक लेखन का क्या उद्देश्य होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि विस्तारपूर्वक चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब आख्यानपरक जो लेखन होता है दोस्तों ये भी वर्णनात्मक लेखन की तरह ही होता है, ठीक है, इसमें भी किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डाला जाता है या किसी घटना के विषय में लिखा जाता है या किसी वस्तु विशेष के बारे में लिखा जाता है, लेकिन इसमें एक चीज को और अलग से जोड़ दिया जाता है, वो होता है लेखक के व्यक्तिगत विचार। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप जैसे कि कोई घटना हुई, ठीक है, आप उस घटना में कुछ मिर्च मसाला मार के अगर आप सामने वाले को सुनाते हैं तो वही आख्यानपरक लेखन के अंतर्गत आएगा। आख्यानपरक लेखन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी लेखक जो है घटना का विवरण तो देता ही है, साथ में अपने विचार भी प्रकट कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, विज्ञान वरदान और अभिशाप, यह एक इस पर आपको निबंध लिखने को कहा गया, तो आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे विज्ञान क्या है, फिर आप लिखेंगे कि वरदान क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में कैसा है, और फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसा है, लेकिन आप नीचे में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे और लास्ट में ये इस तरह का सेंटेंस जरूर लिखेंगे, इस तरह का वाक्य जरूर लिखेंगे कि हालांकि विज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन इसके कुछ अभिशाप भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, अतएव हमें विज्ञान का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा इस तरह का जो आविष्कार है करना चाहिए ताकि
विज्ञान अभिशाप के रूप में कम देखने को लगे और विज्ञान वरदान के रूप में ज्यादा लोगों के सामने आए। तो आप इस तरह का जो वाक्य लिखेंगे दोस्तों अंतिम में, यही आख्यान परक लेखन का एक उदाहरण है और इसी तरह से आख्यान परक लेखन किया जाता है। अब एक प्रश्न मुझे और दिख गया है दोस्तों, ये प्रश्न है कि आख्यान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, मतलब आख्यान परक जो लेखन होता है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से वर्णनात्मक लेखन का स्रोत होता है उसी तरह आख्यान परक लेखन का भी स्रोत होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी जाती है, कुछ अन्य बातों को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि कोई स्मृति चित्र या कोई स्मृति या किसी मित्र का विवरण या किसी प्रिय स्थान से संबंधित घटना या फिर कोई अन्य घटना, कल्पना, इच्छा, ये सारी चीजें जो है, ये सारी विषय वस्तु जो है इसको आख्यान परक लेखन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग आख्यान परक लेखन को भी समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, और ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ सेम है, वर्णनात्मक लेखन की तरह ही है आख्यान परक लेखन भी, लेकिन बस यही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया पुस्तक के चैप्टर्स को, मतलब पुस्तक के अध्याय को बढ़ाने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चैप्टर भी आप लोग समझ गए होंगे। एक अंतिम चैप्टर बच जाता है दोस्तों जिसका नाम है तार्किक लेखन। तो तार्किक लेखन क्या है, इससे भी मैं आप लोगों को जरा अवगत करा ही देता हूँ तार्किक लेखन क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि तार्किक लेखन का मतलब होता है तर्क के आधार पर लेखन, मतलब तर्क को कसौटी बनाकर, तर्क को हथियार बनाकर लेखन करना ही तार्किक लेखन के अंतर्गत आता है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग टीवी पर डिबेट शोज देखते होंगे, डिबेट शोज मतलब वाद विवाद का जो शो होता है न्यूज में अक्सर होता है, जो डिबेट शोज चलते हैं, और ऐसे भी डिबेट शोज के लिए बहुत सारे चैनल्स फेमस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि किसी को इससे समस्या हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर डिबेट शोज चलते हैं, वाद विवाद का शो चलता है। तो वाद विवाद का जो शो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तर्क के आधार पर ही वो वाद विवाद होता है। जैसे कि दो चार लोगों की बेंच होती है, मतलब दो चार लोग बैठे होते हैं, सभी अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, सभी अपने अपने तर्क देते हैं, एक अगर कुछ कहता है तो दूसरा उसको उसके उस तर्क को काटने को तैयार हो जाता है। तो यही जो तरीका है दोस्तों, यही तर्क का तरीका है, और अगर इसी तरह के तरीके को अगर हम लिखित स्वरूप प्रदान कर दें तो वही तार्किक लेखन के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ गए दोस्तों, जैसे कि राजनीति में अक्सर हुआ करता है, दो व्यक्ति बैठ जाए अगर राजनीति से संबंधित, राजनीति मान लीजिए कि वो दो व्यक्ति पॉलिटिक्स करते हैं, अक्सर वाद विवाद करने लगते हैं कि तुम ये पार्टी से हो, तुम वो पार्टी से हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम धर्म को मानते हो, तुम धर्म को नहीं मानते, ये सारी चीजें जो है ये तर्क के आधार पर विश्लेषण चलने लगता है, यही तार्किक लेखन है। ठीक है, अब प्रश्न की तार्किक लेखन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों तार्किक लेखन की अनेक प्रक्रियाएं होती है जिसको चरणबद्ध किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको तर्क देना है, आपको तर्क वितर्क करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विषय वस्तु का चयन करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको तर्क देना है कृषि बिल पर, आपको कृषि बिल पर तार्किक लेखन करना है। अभी जो कृषि बिल है आप लोग संभव तो जानते ही होंगे कि कृषि बिल क्या है, मुझे इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करनी है, मैं बस केवल संक्षेप में इतना बता दूं कि कृषि बिल एक बिल है। ठीक है, उस पर मान लिया जाए आपको तर्क देना है, आप दो व्यक्ति बैठे हैं, आप लोगों को तर्क अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं, तो आपको तार्किक लेखन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों विषय वस्तु का चयन होना जरूरी है, फिर उसके बाद जो कृषि बिल है मान लिया जाए उस पर जो भी तार्किक लेखन आपको करना है, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि वो जो बिल है वो उसकी व्याख्या कैसे होगी, फिर वो बिल जो है मान लिया जाए कि अभी कृषि बिल का विरोध हो रहा है तो उसका कारण क्या है, फिर कृषि बिल का संबंध किन किन जगहों से होगा, जैसे कि राज्य से, फिर उसके बाद देश से या फिर किसानों से, किस तरह से ये सारे संबंध स्थापित होंगे। ठीक है, उसके बाद मान लिया जाए कि तर्क में दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक तर्क क्या होता है कि मान लीजिए किसी टॉपिक का सिलेक्शन हो गया, जैसे कि कृषि बिल टॉपिक का सिलेक्शन हो गया, आप दो व्यक्ति डिबेट कर रहे हैं, दो व्यक्ति वाद विवाद कर रहे हैं, दो व्यक्ति तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो एक तो कृषि बिल के समर्थन में बोलेगा, दूसरा कृषि बिल के विरोध में बोलेगा। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि कथन के समर्थन में तर्क देने वाला भी होना चाहिए इस प्रक्रिया में, तार्किक लेखन की प्रक्रिया में, और फिर कथन के विरोध में भी तर्क देने वाले को होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो गया दोस्तों। और अंतिम में दोस्तों आप जब भी तर्क वितर्क करते हैं या अधिकतर तर्क वितर्क में ये होता है कि उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप लोग टीवी पर जो डिबेट शोज देखते हैं, वाद विवाद शोज देखते हैं, वाद विवाद का जो वो कार्यक्रम आता है वो जो आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी विषय पर तर्क देता है तो दूसरा व्यक्ति उदाहरण के माध्यम से उस तर्क को काटने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यही होती है तार्किक लेखन की प्रक्रिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग तार्किक लेखन को भी समझ गए होंगे, और कोई ज़्यादा प्रश्न इसमें है नहीं दोस्तों। ठीक है, बेकार में अगर मैं आप लोगों को कुछ बकवास सा प्रश्न देकर आप लोगों के समय को बर्बाद करूँ तो ये
ना ही मेरे हित में है ना ही आपके हित में है। मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न को या इस पूरे के पूरे टॉपिक को, इस पूरे के पूरे बुक को, इस पूरे के पूरे बुक के कंटेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन और BHDL 136 के क्विक सीरीज के सारे वीडियो सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को बेहद बेहद पसंद आया होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इसी तरह इस वीडियो को या फिर दूसरे तीसरे किसी भी वीडियो को या फिर इस चैनल को, जिस चैनल से आप लोग जुड़े हैं, जिस चैनल पर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट मिल रहा है, आप लोग बिल्कुल प्यार दें चैनल को, बिल्कुल कंटेंट को प्यार दें। कंटेंट में कोई गड़बड़ी, कोई कमी, कोई त्रुटि होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या फिर आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके बताएं कि इस जगह पर यह त्रुटि रह गई तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला जो टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ये वाला जो बुक ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मैं किसी दूसरे बुक के टॉपिक्स पर वीडियो बना पाऊँ। इसके लिए आप लोग ज़रा अप्रिसिएट करें। और सफ़र अभी शुरू हुआ है दोस्तों, सफ़र की समाप्ति नहीं हुई है, अभी सफ़र शुरू हुआ है। हम लोग आगे बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, बहुत सारे कंटेंट को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी मैं समय की कमी की वजह से केवल और केवल प्रश्नों को बता रहा हूँ। अगर समय थोड़ी ज़्यादा रहती, समय का अभाव नहीं रहता, तो मैं कोशिश करता कि मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स का एनालिसिस आप लोगों को करवा सकूँ, लेकिन दोस्तों समय के अभाव की वजह से ये करना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। अब इसके आज के वीडियो सेशन में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, संभवतः हिस्ट्री के बुक्स के कंटेंट के साथ, मतलब जो BHIC 131 है उसी के कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।